أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنج تنے پاک صدقہ दामन गुम चाबी से भर दे, बच्चों को अता करनी असगर का तबस्सुम, पूर्णों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, कमसिन को मिले पल बलए ओन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे, माओ को सिखा सानी ये सहरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, जो चादरे ज़ैनब की अज़ादार है माला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे, जाती है चली जाए, जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे कभी आज ना आए, जो दिन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की कातिर हो वो घर दे, मुफलिस पे दरो लालो जवाहिर की हो बारिश, मकरूस का हर कर्ज अदा गैब से कर दे, गम कोई न दे हम तो सिवाए गम शाबी, मेरे मौला गम कोई न दे हम तो सिवाए गम शाबीर, शाबीर का गम बाँट रहा है तो इधर दे, या हुसैन या हुसैन Hussein, 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 Hussein
اجل کی اجل کی یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله ارباب ایمان اس میں کوئی شک نہیں موسم کے خنکی اور ٹھنڈک بھی ہے اور کچھ فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور کچھ باہر انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن جس سے بھی پوچھا جائے آپ تھکے تو نہیں ہیں آپ کو زحمت تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو ٹھنڈک تو نہیں ستا رہی ہے تو سب کہیں گے نہیں نہ ٹھنڈک ہے نہ تھکن ہے کیوں اس لیے کہ جب کسی کی محبت میں بیٹھا جاتا ہے تو عزیزان گرامی اس نے نہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نہ کسی زحمت کا احساس ہوتا ہے بس عزیزان گرامی اس لیے ہم جب آئے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو محبت کا تقاضا یہی ہے اس لیے محبت کیا شے ہے ذرا ہم جس کا توجہ تو کریں ولایت کیا چیز ہے یہ کوئی اور محبت نہیں یہ محبت اول محمد ہے صلوات بھیجئے مر محمد عزیزان گرامی یہ محبت ہے کس منزل پر ہے کس کمال پر ہے یا یہ کیا انسان کو دیتی ہے اور انسان کو کس معراج پر پہنچاتی ہے ذرا دنیا تو پہچانے تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا محمد
और अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरे पास आपकी विलायत है, मैं आपका चाहने वाला हूँ। बस इतना कहना था, इमाम अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, हमारी मोहब्बत है, हमारी विलायत है, हमसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ हुजूर, मुझे मेरे पास आपकी विलायत है, जरा जाओ तनूर में तो कूद जाओ। बस ये कहना था, जलती हुई आग थी तो सहले खुरासानी कहने लगा, हुजूर क्या अपने दोस्तों को आप जलाते भी हैं? तो इसका मतलब ये है, हमने मोहब्बत इसलिए की हमको कोई जहमत न पहुंचे, हमको कोई जहमत न आए। कहा तुम्हारी मतलब, तुम्हारी मोहब्बत मतलबी है, बैठ जाओ। ये वो मोहब्बत नहीं जो विलायत वाली मोहब्बत है। इतने में हारून मक्की आ गए, अजीजाने गिरामी, हारून मक्की पसीने में शराब और गर्द में अटा हुआ न जाने कहां से आ रहा है। एक मर्तबा फरजंदे रसूल की खदमत में पहुंचा, अस्सलामु अलैका या अबा रसूलल्लाह, छठे इमाम ने जवाब सलाम दिया, वालेका सलाम। अरे ये भी नहीं पूछा कहां से आ रहे हो, ये नहीं पूछा खैरियत है कि नहीं, ये भी नहीं पूछा कहां जा रहे हो। हारून जरा तनूर में तो कूद जाओ। अरे बस हारून ने कुछ नहीं पूछा और तनूर की तरफ जाने लगे। मैं आवाज दे रहा हूं, हारून उधर आग जल रही है, उधर अंगारे हैं, देखो उधर कितने शोले हैं, कहां जा रहे हो? आवाज दी, मैं आग की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं शोलों की तरफ नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए जब जनाबे इब्राहिम के लिए आग जलाई गई थी, उसके बाद जब नमरूद ने जनाबे इब्राहिम को आग की तरफ रवाना किया, हमने इब्राहिम से पूछा कहां जा रहे हो? जनाबे इब्राहिम आग जल रही है, अंगारे हैं, शोले हैं, तो जनाब इब्राहिम ने आवाज दी, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं आग की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं। अगर इब्राहिम ने आवाज दी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, हारून ने आवाज दी, मैं आग की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने इमाम की तरफ जा रहा हूं। आप जब हारून तनूर में कूद गए, अजीजाने गिरामी ऊपर से ढकना रखा गया, आप बैठे हैं, सहले खुरासानी परेशान है, हुजूर जरा देखें तो इनकी हालत क्या है, इनका आलम क्या है, करे तुम्हें क्या परेशानी? कहते हुजूर वो जल गए। कहा जल गए वो तो तुम क्यों जल रहे हो? अरे जलने वाले जलते हैं, मगर अजीजाने गिरामी वो और होते हैं जो जलने वाले होते हैं। एक मर्तबा जब तनूर से ढकना हटाया गया, देखा हारून तस्बीह पढ़ रहे हैं। अरे जो आग थी उसको जन्नत में बदल चुके थे। हारून ने आवाज दी, सुनो हम जन्नत के मोहताज नहीं। हारून ने आवाज दी, सुनो हम जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत हमारी मोहताज है। हम जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत हमारी मोहताज है। हमको जहां इमाम कहेंगे वहां बैठेंगे, वही जन्नत है। अब अगर इमाम कहे सड़क पर बैठने को, वही जन्नत, फर्श आज़ा पर बैठने को, वही जन्नत। मैंने कहा ये कैसे कहते हो? कहा इसलिए कि जरा आओ इमाम सादिक की खदमत में सलावत भेजिए मर मोहम्मद वाले मर। लिहाजा हमारी बहनें क्यों बैठी हैं, ये बेटियां क्यों बैठी हैं, आप क्यों बैठे हैं, आपको ठंडक क्यों नहीं सता रही है? आप इसी हकीकत को समझते हैं जिसको हारून समझा रहे हैं। आवाज दी, सुनो हम जहां बैठते हैं उसी को जन्नत बनाते हैं। अरे जन्नत क्या है? इमाम सादिक की खिदमत में आ गया एक जवान और मजलिस सुनने के बाद अजीजाने गिरामी महफिल बरखास्त होने लगी। जवान ने दुआ की, जैसे आप भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। अरे सबसे बड़ी दुआ क्या है? बस हाथ उठाए, कहा परवरदिगार हमें जन्नत नसीब फरमा। अरे जैसे इमाम सादिक ने सुना, एक मर्तबा गैस की नजर से देखा, कहा तुम मेरे चाहने वाले हो, तुम मेरे मानने वाले हो, तुमको दुआ भी नहीं करना आता। कहा हुजूर इससे बड़ी दुआ क्या है?
अरे भाई सबसे बड़ी दुआ तो ये ना जन्नत मिल जाए। सब कहते हैं कामयाबी जन्नत, कामयाबी जन्नत, कामयाबी जन्नत। अरे जन्नत मिल जाए सबसे बड़ी कामयाबी है ना। इससे बढ़कर कोई कामयाबी है मुसलमान के लिए? इससे बढ़कर कोई कामयाबी है मोमिन के लिए? इमाम सादिक ने फरमाया तुमको दुआ करना नहीं आता। कहा मौला क्यों? हमने वही दुआ की जो इस्लाम का मकसद है, जो ईमान का नतीजा है। कहा अरे तुम तो नादान हो, तुम्हें दुआ करना नहीं आता, तुम जन्नत में हो। एक सलावत तो भेजिए मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज दी तुम जन्नत में हो, अब ये दुआ करो कोई ऐसा ना आए जो तुमको जन्नत से बाहर निकाल दे। कहा हुजूर जन्नत कहाँ? हम परेशान हैं, घर में फर्श नहीं, मकान नहीं, खिड़कियां नहीं, फ्लैट नहीं, मेरे पास कोई चीज मेरे पास नहीं, रोटी नहीं, जन्नत कहाँ? आप कहते हैं कि आप जन्नत में हैं। कहा सुनो अलस्तुम मुकर्रीन बि इमामतना, क्या तुम हमारी इमामत और विलायत को नहीं मानते? कहा हाँ हुजूर। कहा यही जन्नत है। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज दी यही जन्नत है, विलायत जन्नत है, इमामत जन्नत है। लिहाजा दुआ करते रहिए कहीं कोई ना आए जो जन्नत से बाहर निकाल दे, इमामत दूर कर ले। इसीलिए मैं दिन में अर्ज किया था बस अज़ीज़ाने गिरामी, मैं इसे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि बहरहाल आपको तमन्ना है जियारत की भी और नतीजे पर पहुंचने की भी, और हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं जो इंतजार में है, ठंडक है। बहरहाल जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए, बज़हमत आपकी तमाम। मैंने इसीलिए अर्ज किया विलायत को पहचानिए, मोहब्बत को पहचानिए। जिसको इमाम सादिक ने फरमाया ये जन्नत है, मगर जिस इमामत विलायत को इमाम सादिक ने फरमाया ये जन्नत है, उसी का दावा जब एक मोमिन करता है इमाम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अली फरमाते हैं ये फक्र है, ये फकीरी है। दिन में मैंने अर्ज किया था, मेरे जवाब मुतवज्जा रहे, बस अब आपको लेके जाना है। अब समझिए तो मौला क्या आपकी मोहब्बत फकीर बनाती है? अरे अगर अली की मोहब्बत फकीर बनाती है तो इसका मतलब ये है जितने सरमायादार हैं क्या वो अली के मानने वाले नहीं? क्या वो दौलतमंद? क्या उनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं? जवानों मुतवज्जा रहो, बस ये पूरा नतीजा है इन अमा मजालिस का। एक सलावत तो भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी वो मोहब्बत जो विलायत की है तो क्या वो फकीर बना देगी? अरे परेशानी यही है अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया ने हमको इसी धोखे में रखा और इस हद तक हमें धोखे में रखा कि अरे तुम्हारे मौला ने दुनिया को तलाक दी है, लिहाजा तुम कभी फर्श की तमन्ना न करना, कभी आगे बढ़ने कालीन की क्या जरूरत है, गाड़ी की क्या जरूरत है, ऊंचे ऊंचे महलात की क्या जरूरत है। अरे अली ने दुनिया को तलाक दी है, तुम भी दे दो। अरे क्या? अरे बैठो, चटनी रोटियां खाओ और चटाई पर बैठो, हमको चटाई पर बिठा ला, खुद तो पहुंच गया आसमान पर। मेरे जवाब मुतवज्जर है, मेरे जवाब मुतवज्जर है। क्या यही दुनिया? क्या इसी को अली ने तलाक दी थी? क्या अली ने हमको यही सिखाया? क्या अली ने यही बताया कि मैंने दुनिया को तलाक दी तो फकीर बन जाओ और फिर दूसरे के सामने हाथ फैलाओ? अरे अली आवाज दे रहा है, कुरान कहता है आतु जकात, जकात दे दो। कुरान नहीं कहता है जकात ले लो, कहीं नहीं कि हाथ फैलो, कहीं नहीं हाथ फैलाओ। कुरान कहता है दे दो दे दो। अरे देने वाला हाथ तभी तो होगा जब सरमाया होगा, जब सरवत होगी, जब दौलत होगी। तो अली ने दुनिया को तलाक दिया, हमारे बच्चे परेशान हैं, छोड़ो भाई अली ने दुनिया को तलाक दिया, अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे। अरे छोड़ो भाई दुनिया को तलाक दे दो। अरे कालीन की जिंदगी नहीं, अच्छी जिंदगी नहीं। सुनिए ये दुनिया ने धोखा दिया हमको, विलायत को पहचानिए फकर क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी यकीनन अली ने दुनिया को तलाक दी, मगर दुनिया है क्या? सुनिए अरबी सुबान है, अगर हमको कहना होता है सबसे बड़ा हम कहते अकबर मर्द के लिए, और अगर कहना होता है सबसे बड़ी औरत के लिए कहते हैं कुबरा। अकबर कुबरा
متوجہ رہیے گا میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. اور اگر کہنا ہوتا ہے چھوٹا مرد کے لیے کہتے ہیں اصغر, اور اگر بیٹی کے لیے کہنا ہوتا ہے صغرا. ارے یہ نام تو آپ کو یاد ہے نا, اصغر اکبر یاد ہے, صغرا کبرا. اب اگر آپ کو کہنا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا مرد تو کہتے ہیں افضل, اور اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے کہتے ہیں فضلا, فضیلت والی عورت. عربی یہ زبان ہے, آپ کو سیکھنا ہے. مصیبت یہی ہے عزیزان گرامی, ہمارے بچے تو انگریزی زبان جانتے ہیں, دوسری زبانیں جانتے ہیں, ٹائگور کی زبان جانتے ہیں, شکسپیئر کی زبان جانتے ہیں, کتنے ڈرامے یاد ہوں گے, مگر جو اپنی زبان ہے. اب تو سرمایہ اردو میں ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں نہیں. مجھے نہیں معلوم, یہاں میں بہت جگہ گیا ہوں, بہت سی جگہوں پر دیکھا اردو نوا لکھا ہے انگلش میں, الفابیٹس انگلش ہے. تو عزیزان گرامی اب اگر ہم کو کہنا ہے سب سے زیادہ جاننے والا مرد کہتے ہیں عالم, اور اگر عورت کے لیے کہنا ہے کہتے ہیں علماء. اب اگر کہنا, بس متوجہ رہیے, دنیا پہچانیے, اب اگر کہنا ہے سب سے بلند مرد کہتے ہیں اعلی, بہت اونچا, اور عورت کے لیے علیا. اسی لیے کہتے ہیں علیا مکرم زینب, ہم زینب کو علیا کہتے ہیں. عزیزان گرامی اب اگر کہنا ہے سب سے زیادہ ذلیل کہتے ہیں ادنا, اور اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے تو کہتے ہیں دنیا. توجہ, اگر کہنا ہے مؤنث کے لیے تو کہتے ہیں دنیا. چنانچہ زندگی کو عربی میں حیات کہتے ہیں, حیات مؤنث ہے, حیات مؤنث ہے دنیا. اس لیے علی نے آواز دی, میں علی ہوں اعلی پسند کرتا ہوں, میں علی ہوں اعلی پسند کرتا ہوں. وہ زندگی پسند نہیں کرتا جو پسترین زندگی ہو. ایک سلامات بھیجیے بر محمد والے محمد. جزاک اللہ, اس پر چاہیے میرے بچوں کے جب ذرا ذہن میں یہ بات آ جائے. علی کہہ رہے ہیں میں نے حیات دنیا کو طلاق دی ہے, حیات مؤنث ہے, یعنی پسترین زندگی. علی وہ زندگی پسند نہیں کرتے جو پسترین زندگی ہے, جو ذلیل ترین ہے. اس کی تشریح کی سرکار سید الشہداء نے, آواز دی ان اللہ یحب معالی الامور ویبغض سفسافہا, اللہ بلند بلند کاموں کو پسند کرتا ہے, ذلیل کاموں کو ناپسند کرتا ہے. اب بھی وضاحت نہ ہو سکی, اب بھی وضاحت نہ ہو سکی. علی کہتے ہیں ہم سے, سنو تم میرے چاہنے والے ہو, میں نے پست کاموں کو طلاق دی ہے. اگر تم میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے, اگر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے یہ آلہ ہے, اور اگر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہو تو کنڈکٹر بن جاؤ گے. یہ دنیا ہے, یہ پسترین زندگی ہے, یہ معمولی زندگی ہے. علی نے اس زندگی کو طلاق دی ہے. علی یہ نہیں پسند کرتے ہیں علی کے چہنے والے معمولی زندگی گزارے, نہ علی کے چہنے والے ایسے ہوں جن کے قدم عرش تک پہنچ جائے. اس آواز بھیجیے بر محمد والے محمد. یعنی اگر کسی میں 1000 روپیہ کمانے کی صلاحیت ہے, وہ دن بھر 1000 روپیہ کما سکتا ہے, پھر در راہ خدا زکات دیکھ سکتا ہے. اگر یہ اعلیٰ زندگی ہے, اب اگر وہ 50 روپیہ کما کے بیٹھ گیا, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. صلاحیت ہے 1000 روپیہ کمانے کی, کتنا کمایا 50. ارے اگر کسی میں 90% نمبر لینے کی صلاحیت ہے, اگر 30 نمبر لے کے بیٹھ گیا, یہ دنیا ہے. علی کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا میرے چہنے والے تھرڈ کلاس میں رہے. ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد والے محمد.
नहीं आला हूं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मौला तो फकर क्या है, फकीरी क्या है? आपकी मोहब्बत फकीर बनाती है, कहा फकीर बनाती है, फकीर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अजीजाने गिरामी तो पैसा देगा कौन? सब खुश है। अली ने फरमाया अरे इसीलिए जो बेचारा कोई काम नहीं कर सकता ना, हालांकि उसमें सलाहियत है करने की, बाद में कहता है हालांकि उसको परेशानी कुछ होती है, कहते हैं मौला ने फकीराना जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने कहा चाहने वालों को फकीर ही होना चाहिए। हाँ फकीर होना चाहिए, मगर क्या फकीरी? क्या भिकमंगा? क्या घर खाली? क्या कालीन न हो? क्या बच्चे अच्छा लिबास न पहने? क्या बच्चे अच्छा लिबास खाना न खाए? नहीं, फकीरी क्या है सुनिए, ये कलाम मुर्तजा है और हल कर दिया सैयद मुर्तजा ने। सलावात भेजिए। आज पहचानिए विलायत क्या है, आज पहचानिए मोहब्बत क्या है, आज पहचानिए गदीर में क्या दिया अली ने हमको। अज़ीज़ाने गिरामी फरमाते हैं कि अरब का कायदा है, अरब का दस्तूर है हर जगह का। अरे वहां जब ऊंट का बच्चा होता है आजाद होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर कभी इधर, लेकिन जब ये सवारी के काबिल होता है, हमारे यहां रस्म है ना भाई, जब छोटे बच्चे को रोजा रखना होता है क्या कहते हैं हम लोग? अरे बच्चे को रोजा रखना है, उस दिन हम नजर करते हैं, जश्न करते हैं, अरे बच्चा रोजा रखेगा। तो अरब में जब ऊंट का बच्चा सवारी के काबिल हो जाता है तब तक आजाद इधर जाए उधर जाए उधर जाए इधर जाए कोई परेशानी नहीं, मगर जब सवारी के काबिल हो जाता है तो यहां भी आप मैंने ऊंट में देखा उसके नाक में नकेल डाल दी जाती है, है ना, गले में नहीं नाक में नकेल डाल दी जाती है जब सवारी के काबिल हो जाता है। तो कहते हैं अफकरल बईर, ऊंट को फकीर बनाया गया। शायद मेरा आज मेरे सामीन मुतवज्जा नहीं है। जब ऊंट के बच्चे को नाक में नकेल डाल दी जाती है कहते हैं अफकरल बईर, ऊंट को फकीर बना दिया गया। क्या मतलब? आज तक आजाद था, इधर भागता था कोई रोकने वाला नहीं, इधर भागता था कोई रोकने वाला नहीं, उधर भागता था कोई रोकने वाला नहीं, आज नकेल पड़ गई, आज नकेल पड़ गई, अब उधर ही जाना होगा जिधर मालिक चाहेगा। सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अली के दीवाने, हम अली के दीवाने, हादसों में पलते हैं, खारदार राहों पर मुस्कुरा कर चलते हैं। क्या समझ करिए यजीद हम पर जुल्म करते हैं, हम वो है जो दिलजीत के मौत से बहलते हैं। नारे जिधर मालिक चाहेगा। तो रस्सी का एक सिरा नाक में ऊंट के, दूसरा सिरा मालिक के हाथ में। बस अली ने आवाज दी जब तक मेरी विलायत और मोहब्बत नहीं आजाद हो, आजाद हो जहां चाहे जाओ, उधर भागो रोकने वाला नहीं, इधर भागो रोकने वाला नहीं, मगर जब मेरी विलायत की नकेल पड़ गई अब जिधर मैं चाहूंगा उधर चलना होगा। अफकर बईर, ऊंट को फकीर बनाया गया, ये फकीर बन रहा है, इंसान फकीर बन गया, माफ कीजिएगा, अब अगर नकेल पड़ गई मालिक इधर खींच रहा है वो उधर जा रहा है, नतीजा क्या होगा? नाक तो कट ही जाएगी। अरे इधर खींचेंगे या इधर जा रहा है, नाक तो कट जाएगी, बस डरते रहिए कहीं महशर में नाक ना कटे। सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
नकेल है, मोहब्बत अहले बैत नकेल है, अब दाएं बाएं नहीं जा सकते, उधर चलना है। अब इसको क्या कीजिएगा, कुछ लोग नक्कट्टा ही रहना पसंद करते हैं, है ना। अरे नक्कट्टा सुना है ना आपने, अरे वो एक हमसाया था भाई, और उसका हमसाया बड़ा तरक्की, दौलत भी है, कालीन भी है, गाड़ी भी है, बच्चे आगे 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 जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मगर ये जनाब हैं, ये देख के हसद में मारे जा रहे हैं। अरे आज गाड़ी आ गई, अरे आज कालीन लाए, अरे देखिए बच्चे जा रहे हैं। आप गए दूसरे साहब के पास, कहा अरे भाई ये हमारा हमसाया रोज बरोज तरक्की करता जा रहा है, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं। आप क्या चाहते हो? क्या मैं चाहता हूं इसका दिन खराब हो जाए। अरे अपनी तरक्की मांगते, ये नहीं कहा कि कोई नुस्खा बताओ हम तरक्की करें, नहीं, इसका दिन ये गिर जाए। कहा मैं बता दूंगा इसका दिन कैसे खराब होगा। कहा कैसे? कहा किसी नक्कटे को लाओ जिसकी नाक ना हो, कट गई हो, उसी को लाओ, इसके दरवाजे पर उसको खड़ा करो, जैसे वो निकलेगा दफ्तर जाने के लिए ना, तो इस पर नजर पड़ जाएगी, तो दिन उसका खराब। क्या बात है बाबा, बच्चों का दिन खराब, घर का दिन खराब, क्योंकि नजर किस पर गई, नक्कटे पर गई ना नजर। बहुत से लोग कहते हैं अगर बिल्ली सामने आ गई दिन खराब, कोई कहता चूहा आ गया तो दिन खराब, ये कहते हैं नक्कटा आ गया तो, अब ये चला गया, दिन दिन भर तलाश करता रहा, नक्कटा नक्कटा कहीं मिला नहीं, अरे इधर गुना उधर ढूंढा, अहमदाबाद गया, कहां कहां गया, नक्कटा मिला नहीं। जब नक्कटा मिला नहीं, शाम को घर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, कहा नक्कटा तो मिला नहीं, मगर तुम्हारा दिन तो खराब करूंगा, लिहाजा सुबह सवेरे उठा तो अपने ही नाक काट दी, दिन उसका खराब करना है ना, अपनी नाक काट दी, आओ दरवाजे पर खड़ा, निकल आओ, दिन खराब हो जाएगा। अरे उसका दिन खराब होगा या ना होगा, तेरी जिंदगी खराब हो गई है? ऐसे नक्कटे होते हैं ना। अरे अगर नक्कटे ना होते तो गदीर में क्यों मांगता, चला लीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह अकबर। अरे गदीर के मैदान में ऐलान, और उसके बाद आए सब तबरीक तहनियत अर्ज कर रहे हैं, मगर एक नक्कटा आ गया, हुजूर आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने मान लिया, कहा तो आपने कहा मोहम्मद रसूलल्लाह, हमने मान लिया, आज आपने कहा अलियुन वलियुल्लाह, कहा अल्लाह की तरफ से, कहा अगर अल्लाह की तरफ से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये नहीं कि सोचता है मैं भी किसी बुलंदी पर पहुंच जाऊं, अगर इनको अगर अली की विलायत अल्लाह की तरफ से है, मैं देख नहीं सकता, तब आसमान से पत्थर आ जाए, और आ भी गया, और इस तरह आ गया कि भूसा बना दिया। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसका मतलब यह है विलायत मोहब्बत नकेल है, किसी के हाथों में तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आजाद हम हैं। अरे है अली के हाथों, है हसन के हाथों, है हुसैन के हाथों, मगर इस वक्त साहिब विलायत पर्दे गायब में है, किसी के हाथ में है नकेल की कि नहीं है? अरे पहचानिए भाई, हाथ को पहचानिए, बहस करने की क्या जरूरत है, तो अली का हाथ देखिए कहीं है, इमाम का हाथ देखे कहीं है। अरे अजीजाने ग्राम, एक हाजी साहब चले हज करने के लिए, जैसे ये हज करने के लिए चले, बहरहाल अपने साथ कितना था पैसा था, दौलत थी, कितना खर्च था, उस जमाने में आ गया, समंदरी जहाज में सवार हुआ, जैसे ही समंदरी जहाज में सवार हुआ, उस जमाने में ऊपर वाला जहाज नहीं रहा होगा, समंदरी जहाज से जाते थे जियारत करने के लिए, हज करने के लिए, अभी बैठ गए,
अब इन्होंने देखा यहाँ खलवत है, कोई देख नहीं रहा है, मैं क्यों ना देखूं मेरा खर्च जो है सही सलामत है कि नहीं। जेब में हाथ डाला, थैली निकाली, गिन रहे हैं कितना पैसे मेरे साथ है, थैली कैसी, सब फिर उसमें जो गिरा लगा दी। मगर इसमें ने देखा ऊपर एक आदमी देख रहा था, अरे देख रहा था तो मुझे क्या, ये भी तो हाजी साहब हैं। अबे बैठ गए इत्मीनान से, अबे इत्मीनान से बैठ गए। बस थोड़ी देर में ऊपर कुछ हंगामा हुआ, जैसे शोरगुल हुआ, ये दौड़ गए, क्या बात है। एक साहब ने कहा तो आपको मालूम नहीं, कहा नहीं, कहा वो आदमी है ना, वो आदमी कहाँ है, कहा इसकी थैली गायब हो गई है, कहा कैसी है, कहा इस रंग की, कहा पैसा कैस कितना, कहा इतना। उसने सब देख के रखा था, पैसा कितना, रंग कैसा, और थैली कैसी, और गिरा कैसी, का ऐसी ऐसी का। अच्छा ये सोचने लगा ये तो मेरी थैली है, मगर ऊपर उसने ऐलान कर दिया था थैली गायब। कहा क्या हुआ, कहा आपको मालूम नहीं, यहाँ के अमले ने, यहाँ के पुलिस ने ऐलान कर दिया कि सर शुरू हो गया, तलाशी शुरू हो गई, जिसके पास निकलेगा उसको समंदर में डाल दिया जाएगा। ये कहने लगा थैली तो गई, आप तो जान भी गई, अरे ये कह सकता है कि मेरी है, कोई कैसे, उसने पहले ऐलान करवाया है थैली गायब, लिहाजा इसके ऊपर जब जान की बनी, जान के ऊपर जब आई ना, बस एक मरतबा जहाज की खिड़की के पास आ गया, हाथ में थैली है, एक मरतबा समंदर को देखने लगा, कहा मेरे मौला अली मेरी जान खतरे में है, एक मरतबा थैली को उठाया, समंदर में फेंक दिया, या अली आपके हवाले, सुनिए का आपके हवाले, मगर कहा बख्शता नहीं हूं, वापस ले लूंगा। अरे ईमान होता ऐसा, सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, अली का लाल हमारा है, जिसको खंजर मारा है वो हुसैन हमारा है। ईमान कितना है, और आवाज दे रहा कि अली आपसे लूंगा, तो ईमान ऐसा होना चाहिए अगर एक रुपए भी अली की खदमत में जाए तो यकीन कीजिए जाया नहीं वापस आता है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर आप देखते रहे ना ये कितने जियारतों का एहतमाम हो रहा है। अरे जियारत पर जाओ, कुछ एक रुपया दो, मैं इत्मीनान है अगर एक रुपये भी जाए और कोई जियारत पर जाए जाया नहीं हो रहा है। अरे हमारा मकसद है जियारत, हमारा मकसद है करबला, अजीजान-ए-गिरामी, मगर काबिले तबरीक है ये जवान जो ऐसा एहतमाम करते हैं कि किसी एक मोमिन की जियारत का जरिया बनता है। लिहाजा एक सलावत भेजिए, एक और जायर की किस्मत खुलने वाली है। मुबारक की कामिल नाम दरियर को आप ही आज है एम नमन एक बलंतर सलवार।
आप सामने जो रहा छो એની ખરી કિંમત હવે 5000 રૂપિયા થાય છે અગર એનાથી કોઈ વધારે આપીને અગર લઈ જવા ચાહતો હોય તો એપીએ કા સવાબનું કામ છે જે રોજાના અંતરાની ડોનેશન જશે તો એના માટે ભી કોઈ ખુશનસીબ અગર તૈયાર હોય તો આ મજલિસના બાદ એ અમારો સંપર્ક કરે પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવા જીનો ગાલે ભાઈ بر محمد وآل و صلوات اعلان کیجئے بس آپ ٹوکن کا اعلان کیجئے بس اس کے بعد 179 کوپن نمبر والا جو جمعہ پاسے رسیب سے اعلان کر لارش کرے 179 نمبر ہو جائے ایک خوش نصیب انسان خوش نصیب جوار چون معصوم نے جہاں پڑھا جیسے اینا مارے ایک بلندر صلوات ખંડક ઉપર આ ચાર વર્ષો હાજરી આપશે હુસેનભાઈ ગલી જાવેદભાઈ શાહ મહેદીભાઈ પાશેરિયા અને ફિરોઝભાઈ ગારિયા ખુશ નસીબ જવાનું નામ છે હૈદર અલી એ પટેલ લગભગ કાઉન્ટના રહ્યું છે હૈદર અલી એ પટેલ آپ بھی زیارت کو پہنچیں گے انشاءاللہ آج الحمدللہ ہم زیارت مانگیں گے تو عزیز و عرض یہ کر رہا تھا ظاہر جا رہا ہے حج کرنے جا رہا ہے تھیلی سمندر میں جیسے سمندر میں تھیلی پھینک دی اب خالی ہاتھ ہے ارے آپ فکر نہ کیجئے آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے خالی ہاتھ ہے گیا حج بیت اللہ کے لیے ذرا پہچانیے ولایت کے ولایت کی نکیل کس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے عزیز علی گرامی گیا حج کر کے جب حج کر کے پلٹ آیا حج سے فارغ ہوا اب خرچہ نہیں اب پیسہ نہیں تھیلی تو سمندر میں گئی ہے اب خرچہ کہاں ملے گا لہذا کسی طرح سے یہ حاجی صاحب پہنچ گئے نجف اشرف جیسے ہی نجف اشرف پہنچ گئے امیر المومنین کی خدمت میں عزیزان گرامی مولا کی ذریع پکڑ کے آواز دی مولا میں نے امانت دی ہے میری امانت واپس کیجئے ارے ایمان ہو تو ایسا ایک صلوات تو بھیجئے بس زحمت تمام کر رہا ہوں مگر جب پہچانیے ہاتھ کو پہچانیے علی کے ہاتھ اللہ اکبر اس کا نقل ہے چنانچہ جب علی کے ذریعے پر رونے لگا ایک مرتبہ نیند آ گئی مولا نے فرمایا سنو تمہاری امانت میرے پاس ہے مگر زمانے غیبت میں ہم خود نہیں دیتے کچھ ہاتھ ہیں جو امانت دار ہیں وہاں جا وہاں لے لو اپنی امانت کہا مولا میں کہاں جاؤں گا کہا قم جاؤ ایران جاؤ قم میں مرزا قمی ہیں حضرت ابوالقاسم قمی اللہ ان کی شفاعت ہم کو روزی کرے انشاءاللہ ہم کو ان کی شفاعت میں اٹھائے مرزا قمی علماء جانتے ہیں ان کی کتابیں کتنی پڑھائی جاتی تھی کہا مرزا قمی کے پاس جاؤ یہ آیا کہا رہے حضور میں جانتا ہی نہیں میں پہچانتا ہی نہیں میں کبھی قم گیا ہی نہیں پھر سویا کہا نہیں تم کو جانا ہی پڑے گا امانت میرے پاس مگر کوئی ہاتھ ہے جو امانت دار ہے بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اس ممبر سے یہ ممبر علی ہے ممبر رسول ہے چنانچہ عزیزان گرامی تیسرے دن بھی بہت گڑگڑایا جب گڑگڑا خواب میں مولا آئے کہا میں نے کہہ دیا کہ تم کو جانا پڑے گا مرزا کے پاس مرزا قمی کے پاس وہاں پر تمہاری امانت ہے لے لو ان سے ہے ہمارے پاس مگر ہاتھ وہ ہیں بس ایک مردہ کہنے لگا حضور میں تو تھک گئے میرے پاس کرایہ بھی نہیں کہا گھبراؤ نہیں کرایہ ہم دیں گے کہا مولا کیسے ملے گا کہا صبح کو اٹھ کے جانا فلان دودھ والے کے پاس جو دودھ بیچتا ہے نا اس سے کہنا مولا نے کہا کرایہ دے دو مجھے قم جانا ہے صبح کو اٹھ گیا اور دودھ والے کے پاس پہنچ گیا کہا لاؤ کرایہ کہا کس نے بھیجا کہا مولا نے بھیجا کہا ہاں ہاں مولا نے مجھ کو خواب میں بتا دیا ہے مجھے تم کو 20 روپے دینا ہے ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد
बस अजीज जाने ग्रामीण गिरामी फौरन निकल गया, पहुंच गया कौम। जब कौम पहुंच गया उस वक्त दोपहर हो चुकी थी, जहरैन की नमाज अदा हो चुकी थी। वहां उलमा का तरीका यह है, मराजे का तरीका यह है, नमाज के बाद रोटी खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, जिसको कैलूला कहते हैं। मिर्जा युकुमी अल्लाह मकामा कैलूला क्या करने जा रहे हैं। इतने में ये पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, खादिम आया, कहा किससे मिलना, कहा आगा से, कहा आगा ने अब इस्तराहत का इंतजाम किया है, वो कैलूला करना चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं। मैं क्या जानूंगा आराम क्या है, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे आगा के पास जाने दो। कहा नहीं जाने दूंगा, कहा जाने दो। अरे जब आवाज बुलंद हो गई, अंदर से आगा ने आवाज दी, अरे फुलानी रुक जा, मैं तेरी अमानत लेके आ रहा हूं। एक सलावत लीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हाथ अजी जाने गिरामी आखिर मिर्जा आए, ये राय बताता है भाई मोतबर है, ये कोई नॉवल नहीं, ये कोई किस्सा नहीं, ये वाकई है, ये हकायक है। ये कहता है कि मुझे जितना ताज्जुब इस पर ना हुआ, इस पर ना हुआ ताज्जुब कि ये थैली है, मुझे ताज्जुब हुआ उसी रंग की थैली थी, वही थैली थी। ये हाथ है, इन हाथों की कदर कीजिए, इन हाथों की कदर कीजिए, इन हाथों के करीब जाइए, इन हाथों के साये में रहिए। अजीजाने यानी बस समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे जवानों, बस बाप ने आपके जहमत तमाम की। कभी कभी कहा जाता है अरे ये नया मसला है, वली फकी नया मसला है, विलायत फकाहत नया मसला है, ये कोई नया मसला नहीं। कौन मुज्तहिद अपने रिसाले में नहीं लिखता है चोर का हाथ का चाहिए। अरे अगर 200 साल बरस पहले देखिए, 300 साल बरस पहले देखिए, सब मुज्तहिदीन लिखते हैं चोर का हाथ काटो। अगर कोई ये गलती करे उसको सजा दो, अगर उसको ये गलती करे उसको ये सजा दो। इसलिए कुरान कहता है चोर का हाथ काटो, इसका मतलब ये नहीं चोर को पकड़ के लाएंगे आप हाथ काट देंगे, नहीं, इसके अपने शराइत हैं, इसके अपने शराइत है, मैं इसे बयान नहीं करता, मैं एक जुमार्स करना चाहता हूं, इसके शराइत है। ये नहीं फौरन की चोर लाया हाथ काट दिया, तो हाथ काटो सब मुज्तहिद लिखते हैं, मगर सवाल है काटेगा कौन। जब ताकत होगी, जब हुकूमत होगी, तब चोर का हाथ काटा जा सकता है, हुक्म खुदा पर अमल होगा, इसी को विलायत फकीह कहते हैं, कोई दूसरी चीज विलायत फकीह नहीं है। कहे देखिए अल्लामे मजलिसी ने लिखा है कि नहीं, देखिए शेख सदुक ने लिखा है कि नहीं, देखिए सब ने लिखा है कि नहीं, बगैर कौन काट, मतलब आप हिंदुस्तान में किसी चोर का हाथ काट सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपको हुकूमत मिलेगी आप इस्लाम के हुक्म पर अमल करेंगे या अपने हुक्म पर अमल करेंगे। बस इस्लाम के हुक्म पर अमल करना, इसी को विलायत फकीह कहते हैं। खत्म किया मैंने, मगर ये कमाल कब मिलता है, ये कमाल कब मिलता है, कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मिर्जा कुम्मी का हाथ ये अमानतदार बन गया, मगर कब, सुनिए कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। चनाचो उस वक्त का बादशाह फतेह अली शाह जब मुलाकात के लिए आता था, एक दिन फतेह अली शाह बादशाह को आगा के बेटे पर नजर गई, देखा मुअद्दब है, अदब वाला है, इल्म वाला है, सलाहियत वाला है। जब जाने लगा आगा का बेटा घर में चाय वहां रख के, तो बादशाह ने कहा हुजूर ये कौन है, कोई नौकर है? कहा नहीं मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा बालिग हो चुका है, मेरी बेटी भी बालिग है, अब क्या अच्छा होता मेरी बेटी आपकी बहू बन जाती। कहा फतेह अली शाह तुम तो बादशाह हो, मैं फकीर हूं, तुम बादशाह हो मैं फकीर हूं, मुझे फकीर रहने दो। अरे ये फकीर नहीं, अभी मैंने फकीर बयान किया, मेरे नाक में किसी की नकेल है, मैं फकीर हूं, मैं उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकता। मगर फतेह अली शाह ने कुछ ऐसी बात की, आगा को महसूस हुआ कि ये बादशाह है ना, घमंड है, तकब्बुर है, ये बेअदबी करेगा अब, क्योंकि मैंने इसकी बात मानी नहीं, ये अब बेअदबी करेगा।
कहा फतह अली शाह सुबह को फैसला होगा, रात तो गुजारने दो। अरे रात गुजरने लगी, आगा ने मुसल्ला बिछाया, नमाज शब के वक्त बिछाया, नमाज शब के लिए आगा उठे, वजू करके आ गए मुसल्ले पर, आ गए। जैसे मुसल्ले पर आ गए हाथ उठाए, कहा परवरदिगार जिंदगी भर सिर्फ इतना मैंने हासिल किया है, मुझे अपने इमाम से राबता है, मुझे अपने इमाम से राबता है। मैं जानता हूं अगर बादशाह के साथ रिश्तेदारी हो गई उस राबते पर असर पड़ेगा, ए मेरे रब अगर उस राबते पर असर पड़ेगा, मैं इमाम की विलायत को कुर्बान नहीं कर सकता, अपने बेटे को कुर्बान कर सकता हूं। बस अजीजा ने गिरामी आवाज दी, परवरदिगार अब खतरा है, मेरी विलायत जाएगी, मोहब्बत अहले बैत में जो मैंने कमाल हासिल किया है खतरा आने लगा, तू मेरे जवान ही को उठा ले। ये अलग बहस है फिर क्या हुआ, मगर अजीजा ने गिरामी बहरहाल बाद में ये खबर आ गई, आगा जवान गुजर गया। अरे ये कहां, ये जवान कुर्बान किया आगाई मिर्जा ने, बातें न कीजिए, कहां से सीखा? अरे ये करबला से सीखा, करबला से सीखा, सब कुछ रहे या न रहे अल्लाह का हुक्म रहे, विलायत रहे, मोहब्बत रहे। बस अज़ीज़ाने गिरामी इसीलिए जब सरकार सैयदु शुहदा ने अपने लाल को रुखसत किया, यही तो कहा परवरदिगार सब मैंने तेरी राह में लुटा दिया। अरे पर ये तो पहचानते मकामात वाले ही, ये पहचानते जिम्मेदारी वाले, हम बातें करने जानते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी क्या मकाम है, पहचानिए हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की, कहां पर अल्लाह अकबर। आप जानते हैं जब अली अकबर को रुखसत किया, पीछे पीछे चले एक मकाम पर, जनाब हुसैन जमीन पर गिर गए। अली अकबर ने मुड़ के देखा, कहा हुसैन जमीन पर आ चुके हैं। अरे उठ के उतर के हुसैन को उठाया, बाबा आप तो मुझे रुखसत किया था। अरे यही एतराज किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खदमत में, एक शख्स ने एतराज किया, मौला मौला आपके बाबा ने हर जगह सब्र किया, हर जगह सब्र किया, मगर एक जगह सब्र ना कर सके। अब्बास को रुखसत किया, सब्र किया, कासिम को रुखसत किया, सब्र किया, दूसरे सहाबी को रुखसत किया, सब्र किया, मगर जब अली अकबर को रुखसत किया सब्र ना कर सके। का कैसे मालूम सब्र न कर सके? का मौला अली अकबर आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे, किसी शहीद के पीछे पीछे हुसैन नहीं चले, अली अकबर के पीछे पीछे। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, क्या कहा, क्या मेरे बाबा से सब्र नहीं किया? ए भाई सच बताओ, तुमने हज किया है? कहा मौला मैंने हज किया। कहा जब हज पर गए हो तो बताओ, जब हाजी कुर्बानी करता है, हाजी का जानवर, हाजी का कुर्बानी का जानवर, वो हाजी के आगे आगे होता है या पीछे पीछे? कहा नहीं मौला, हाजी का कुर्बानी का जानवर सामने होता है, आगे आगे होता है, हाजी पीछे पीछे होता है। आप पहचाना मेरा बाबा क्यों निकला अली अकबर के पीछे पीछे? मेरे रब अब ये कुर्बानी है, ये शबीए पैगंबर है, अल्लाह अकबर। अरे ये मरहल गुजर गए, मगर अजीजो जी चाहता है आपकी खदमत में पूछूं और अर्ज करूं, अली अकबर को तो हुसैन ने रुखसत किया ना, अब्बास को हुसैन ने रुखसत किया ना, अरे कासिम को हुसैन ने रुखसत किया ना, आप भी जाएंगे आपको भी हम रुखसत करेंगे, मगर हुसैन को किसने रुखसत किया? अरे ये रुखसती का मरहला बना सकते हैं सैयदा कौनैन फातिमे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक जाकिर के ख्वाब में आ गई। कहा जाकिर सब मसाइब पढ़ते हो, मगर वो मुसीबत नहीं पढ़ते जो सबसे ज्यादा मुसीबत है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत है। कहा शहजादी वो कौन सी मुसीबत? मैंने अली अकबर की मुसीबत पढ़ी, मैंने अब्बास की मुसीबत बयान की। कहा नहीं, जब मेरा लाल रुखसत हो रहा था, जब हुसैन रुखसत हो रहा था। अरे अजीजों यकीनन ये रुखसत कितनी मुश्किल थी, इसलिए ज़ैनब ने अली अकबर को रुखसत किया, उम्मीद थी कि हुसैन तो है। लैला ने अली अकबर को कुर्बान किया, उम्मीद थी कि हुसैन तो है। अरे रबाब ने असगर को कुर्बान किया, उम्मीद तो थी कि हुसैन है, मगर अब हुसैन जा रहे हैं। लिहाजा बीबियों ने हल्का बनाया, बीबी ने हल्का बनाया, एक तरफ ज़ैनब, एक तरफ उम्मे कुलसुम, एक तरफ उम्मे रबाब, एक तरफ उम्मे लैला, अरे सब ने हल्का बनाया, मगर एक छोटा सा हाथ है जो हुसैन का दामन थाम रहा।
अरे कोई बड़ा होता वो तो बाजू थाम लेता, मालूम होता है कोई बच्चा है, आप तो पहचान चुके होंगे, अरे ये हुसैन की बेटी सकीना, बाबा मैं यतीम हो जाऊंगी, बाबा मुझको किसके हवाले करके जा रहे हैं। बस अजीज हो, बीबियों ने रुखसत किया, हुसैन ने देखा, खुदा आपके भरे घर को सलामत रखे। अब हुसैन देख रहे, अकबर नहीं, अब्बास नहीं, कासिम नहीं, कोई नहीं, बीबियों को किसके हवाले। अब चले, जैसे घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों? इसलिए चार साल सकीना घोड़े के सुबह से लिपटी है। ए बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे, बस मैंने आपकी जहमत तमाम की, जियारत कीजिए, मगर सकीना के दिल से पूछिए। अजीजा ने गिरामी सकीना को अपने सीने पर लिया, बाबा अब ये सीना नहीं मिलेगा, अब ये सीधा नहीं मिलेगा। आप भी दूर दूर से आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, जवानों के साथ आए हैं, अली अकबर के सदके में आपकी जवान सलामत रहे, बच्चे अली असगर के सदके में जवान रहे, सेहतमंद रहे, अरे ये सब असगर के गुलाम है, मगर करबला में जहरा का बड़ा घर। आप सकीना वो सीना चाहती है, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला दीजिए। एक मर्तबा जनाब हुसैन ने सकीना को ज़ैनब के हवाले किया, बहन ज़ैनब अब सकीना का ख्याल रखना। अरे जनाब ज़ैनब सकीना को लेके खेमे में आ गई, अरे सीने से लिपटाई हुई, तसल्ली दे रही है, तशफी दे रही है, मगर मक्तल है कि एक जलजला आ गया। जैसे ही जलजला आ गया, घोड़ा दौड़ के आ गया, जब जनाब सकीना ने घोड़े के टापों की आवाज सुनी, आवाज दी, फूफी अम्मा मुझे छोड़ दीजिए, इसलिए मेरे बाबा आ गए, मैं अपने बाबा का इस्तकबाल करना चाहती हूँ, मैं दरे खेमे पर रह के बाबा को देखना चाहती हूँ। अरे जैसे सकीना दरे खेमे पर आ गई, क्या देखा? अरे देखा घोड़ा तो आया है मगर सवार नहीं, रहवार तो है मगर हुसैन नहीं। एक मर्तबा सकीना ने घोड़े के गर्दन में बाहें डाल दी, ए बाबा के घोड़े ये बता दे मेरा बाबा प्यासा ही मर। मेरा बाबा प्यासा ही मारा गया, अरे इतना कहना था। अजीजा ने गिरामी ज़ैनब को तसल्ली दे रही है, मगर जालिम आ गए, अरे खैमों में आग लग गई। अब क्या था, सकीना के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं, बालियां चीनी जा रही है, बीबियों को नेजे के नीचे अजियत दी जा रही है, ज़ैनब आवाज दे रहे, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैन, वाह मजलूम,